तो आज हम करेंगे हैवी वर्कआउट, 5x5 का सेट लगाएंगे और देखेंगे भाई हमारी कितनी स्ट्रेंथ है लेग्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मेरा टारगेट था कि यार 100 के 5x5 सेट लगाऊंगा आज, लेकिन 80 किलो का आरपीएम इतना सही नहीं आया तो मैं 90 के 5x5 लगाऊंगा। इतना भी जल्दी प्रोग्रेस करने का मुझे वो कहते हैं, इतना पंजाबी से कहते हैं काली नहीं। सो आराम से लगाऊंगा क्योंकि भाई घर जाके और भी काम करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे स्क्वाड यार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और लेग्स की बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। कई लोग तो बोलते हैं बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन बहुत ही मजा आता है भाई जब पंप आता है लेग्स में। और सेकंड एक्सरसाइज हम हमारी करेंगे लेग प्रेस, 4 सेट मारेंगे इसके 4x12 के। तो यार लेग प्रेस के बाद हम लगाएंगे स्मिथ मशीन पे अपने स्क्वाड्स। तो स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स लगाने हैं बहुत ही सेफ होते हैं कंपेयर टू बारबेल स्क्वाट। और बारबेल स्क्वाट के बाद ये आपको बहुत ही अच्छा पंप देते हैं अगर आप लाइट वेट से इसे लगाते हैं। तो हम इसके भी 4 सेट लगाएंगे 12 रेपिटेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे भाई लेग एक्सटेंशन, और इसके भी हमने 4 सेट 12 रेपिटेशन से लगा देने हैं। और ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्रिसेप के लिए बहुत ही अच्छी आइसोलेट है और इसे अपने वर्कआउट में जरूर इंक्लूड करें, चाहे आप कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो चाहे आप आइसोलेट मूवमेंट कर रहे हो। और ये एक्सरसाइज आपके लेग्स की वर्कआउट में हफ्ते में एक बार तो होनी ही चाहिए कंपल्सरी, लाइक अटेंडेंस जो कि हम कभी पूरी नहीं करते। हम लगाएंगे हमारी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, और ये एक्सरसाइज आपके स्पोर्टिंग मसल्स होते हैं और ये आपको सपोर्ट करते हैं, तो इनको भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है अपने वर्कआउट के साथ साथ में। और हैमस्ट्रिंग को जरूर ट्रेन करा करिए अगर आपने अपनी स्क्वाट की पावर बढ़ानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार हम हमारी अगली एक्सरसाइज लगाएंगे सुप्रभात, जिसे इंग्लिश में गुड मॉर्निंग भी कहते हैं और हिंदी में सुप्रभात, पता नहीं मैं सही प्रनाउंस कर पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन वही एक्सरसाइज लगाएंगे। तो हम हमारी सुप्रभात के लगाएंगे 4 सेट 8 रेपिटेशंस के लिए। इसके ज्यादा रैप नहीं लगाने, क्वालिटी रैप लगाने क्वांटिटी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से आपने गुड मॉर्निंग रैप्स लगा देने हैं 8 रेपिटेशंस, और क्वालिटी रैप होने चाहिए भाई, आपकी फॉर्म बिल्कुल भी बिगड़नी नहीं चाहिए, मुझे किसी को ड्रॉप करना है। और इसके बाद हमारी दो एक्सरसाइजेस साइकिलिंग और काफ रेस, ये एक्सरसाइज मैं शाम में आके लगाऊंगा, आराम से साइकिलिंग करूंगा 20 मिनट और अपने काफ रेस लगा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये लेग्स का वर्कआउट अच्छा लगा होगा, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो से अगले वर्कआउट से। थैंक यू।